इट्स अ हिंदी कॉमेडी. कॉन्सेप्ट कुछ यूनिक सा है क्योंकि कॉमेडी है, रियल स्टफ है. इफ़ आई टॉक अबाउट द प्री प्रोडक्शन, देन द प्रोडक्शन, देन पोस्ट प्रोडक्शन, इट टुक मी अबाउट एन ईयर टू कम्प्लीट द मूवी बिकॉज देर वॉज नो बडी एल्स टू हेल्प मी. सो आई हैड टू डू इट ऑल बाई माई सेल्फ, बी इट द म्यूजिक, डायरेक्शन, राइटिंग, ऑडिशनिंग द एक्टर्स, देन एडिटिंग, एवरीथिंग. चैलेंजेस बहुत थे लोगों ने. जब मैंने शुरू किया तो सबसे पहले तो उन्होंने ना कहा. आई स्पोक विद अबाउट 40-50 पीपल एंड ऑल ऑफ देम सेड नो. जब तक शूटिंग नहीं शुरू हुआ था तब तक पीपल केम लेफ्ट, दे लिसन टू द आइडियाज, दे लेफ्ट. एंड देन व्हाइल शूटिंग ऑल्सो एक्टर्स ने, उनको लगा कि द वे आई वॉज शूटिंग इट वॉज नॉट समथिंग आई वॉज शूटिंग इन अ प्रॉपर वे और द कन्वेंशनल वे आई विल से. सो आई टुक माई चांसेस, आई ट्राई टू कन्विंस द पीपल हु वर देयर एंड दे वर्क्ड. सो चैलेंजेस हमेशा रहते हैं. एडिटिंग मुझे नहीं आता था, आई डिडंट नो अबाउट द म्यूजिक, आई डिडंट नो हाउ टू मेक द म्यूजिक. आई कॉल्ड अप पीपल, दे सेड नहीं कर सकते. मीन्स देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मूवी मेकिंग यू टॉक अबाउट. देन पोस्ट प्रोडक्शन, डबिंग, हाउ डू यू डू द बैकग्राउंड स्कोर, हाउ डू यू राइट द लिरिक्स, हाउ डू यू डू द स्क्रीन प्ले, हाउ डू यू शूट. मीन्स आई हैड नॉट, आई डिडंट हैव अ कैमरा. फर्स्ट टाइम आई गॉट होल्ड ऑफ अ कैमरा एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. इज जस्ट दैट इज इट वॉज ऑल देयर इन माई ब्रेन, आई जस्ट यूटिलाइज इट. मे बी दैट्स वट हेल्प मी, आई डोंट नो. इट जस्ट हैपन बाई एक्सीडेंट. आई यूज टू वर्क विद एन MNC इन गुड़गांव एंड सम हाउ एक्सीडेंटली आई केम टू नो ऑफ अ पर्सन, संजय अरोरा. मीन्स ही हैड अ प्लान ऑफ मेकिंग अ मूवी. ही सेड आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ मूवी इन दिल्ली बिकॉज ही वॉज ऑल्सो न्यू टू द एनवायरमेंट. So he said, would you assist me in it? I said, definitely, I'd love to. Means I had no plan or no intention. I had no filmy background. I'd never seen a camera. In fact, for 3 years, when I was learning, I didn't get to touch the camera. Means from the very beginning, it has, you know, given me a feel that this is something which I can really do to express myself. I had watched so many movies from Hollywood, ki main jab Hindi movie or English movie dekhta tha, I used to compare it. To maine usi ko thoda sa मूवी में बनाने की कोशिश की. एफर्ट है, पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा, बट नाउ सिंस आई हैव लर्नड विद इन द ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग अ मूवी, मुझे जितना भी अभी पता है, आई नो आई विल टेक इट टू द लेवल वेयर इन पीपल वुड रियली एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम मी इन फ्यूचर, आई एम श्योर. एंड आई विल ट्राई कि अच्छे से अच्छा सिनेमा बनाया जाए. आई विल इंश्योर कि मूवी जो फैमिली देख सके वो मैं बनाऊँ. बहुत ज़्यादा फनी सिचुएशंस हुई थी क्योंकि सभी को मेरे उसमें मूवी में, अगर 14 एक्टर हैं, सभी को मैं कहूँगा कि लीड हैं सभी, एक जगह पे रखना कंट्रोल करके बहुत मुश्किल होता था. एवरी डे आई यूज़ टू गेट जस्ट अबाउट 1 hour टू शूट, और उसमें भी इतने ज़्यादा रिटेक्स होते थे. कभी मेरा कैमरामैन भाग जाता था, कभी कभी मेरा एक्टर रूठ जाता था. दिस मीन्स दीज थिंग्स हैपन. एंड ऑन द सेट इट्स लाइक व्हेन दे गो बैक इन टाइम एंड ट्राई एंड विजुलाइज कि क्या किया था उन्होंने उस टाइम पे, दे ट्राई एंड रिकॉल इट. सो दैट टाइम इट साउंड्स फनी. एंड काफ़ी कुछ हुआ है, मतलब ऐसे कुछ डायलॉग्स भी, कुछ सिचुएशंस भी कुछ ऐसी थी, और मूवी भी कुछ ऐसी थी कि वट एवर हैपन्ड ऑन द सेट इट एक्चुअली एडेड टू द मूवी. सो दैट वे आई वॉज लकी. अभी 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्रॉम आउट ऑफ विच वन आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन. कुछ परमिशंस इशू हैं, पहले एक बार वो सेट हो जाएंगे तो मुझे पता है एक बड़े लेवल की मूवी मैं बना पाऊँगा. एंड दैट विल बी शॉट इंटायरली इन दिल्ली. अगेन जितनी भी मूवीज़ मैं फ्यूचर में भी बनाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि वो दिल्ली में ही हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है दिखाने के लिए जो अभी तक दिखाया नहीं गया है. If you go to Mumbai, they never talk about making a movie in Delhi because we don't have the resources. लेकिन ये शायद सब कुछ ठीक होगा आने वाले टाइम में, because things are changing, people are changing. I have never thought about Hindi movie, but again, I can. Number one will be Udaan by Vikramaditya Motwane. I'm a huge fan of this guy. And second will definitely be Black Friday. कुछ चीज़ें हैं उसमें जिस टाइम पर वो बनी थी, उस टाइम के हिसाब से वो चीज़ें इम्पॉसिबल थी. कुछ ज़्यादा कमर्शियल था नहीं, लेकिन यू इट मेक्स यू थिंक. इट्स अ वेरी नाइस मूवी, प्लीज़ वॉच इट. इट्स लाइक समथिंग विच आई हैड बीन ड्रीमिंग ऑफ मेकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इट्स जस्ट दैट व्हेन द ड्रीम इज देयर बिफोर यू, यू वांट टू शेयर इट विद एवरीवन. सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, वॉच इट. आई एम श्योर यू विल लव इट. वॉच इट विद योर फैमिली. इट्स अ फैमिली मूवी.